जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के मिक्स क्वेश्चन, यानी कि उसमें केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स भी, बायोलॉजी, सारे ही सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन में आपके लिए लाई हूँ, जो आपके आर्मी एग्जाम किसी भी ट्रेड हो, आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप नर्सिंग असिस्टेंट, आप टेक्निकल या ट्रेड या किसी भी डिफेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन ही आपके सारे एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए और क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व किया करें। कॉपी और पेन लेकर पहले से ही आप बैठ जाया करें, फिर उसके बाद आप वीडियो को ऑन करें। तो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और दोस्तों, जो लोग भी हमसे नए जुड़े हैं, उनको पहले मैं बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उन पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का भंडार कहा जाता है आपके, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकांड्रे आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया है, उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। माइटोकांड्रे को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है मॉर्फिन, निकोटीन, हार्मोन या फिर एंजाइम। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है निकोटीन। निकोटीन आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। निकोटीन ही जो तंबाकू में मनुष्य को जो हानि पहुंचाने वाला पदार्थ होता है, उसे निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? ऑप्शन न्यूरॉन, लिम्फ, यकृत या फिर नेफ्रॉन। तो गुर्दे की कार्यवाही इकाई होती है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन आपका बिल्कुल सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, आप ये जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, हैजा किससे फैलता है? हैजा किससे फैलता है? तो ऑप्शन है पानी से, मच्छर, हवा या फिर चूहा। तो हैजा फैलता है पानी से, पानी से फैलता है हैजा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल
सही आंसर है पानी, जो है पानी से ही हैजा फैलता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और अच्छा क्वेश्चन, कुनैन प्राप्त होती है, कुनैन प्राप्त होती है, तो ऑप्शन है सहतूत से, कपास से, सिनकोना से, नारियल से। तो कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना से, सिनकोना से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, कुनैन जो प्राप्त होती है वो होती है सिनकोना से। ऑप्शन सी आप याद रखिए, ऑप्शन सी सिनकोना से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। बहुत काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एमजी, एन ए अम्ल, या फिर लाल फास्फोरस। ऑप्शन एमजी, एन ए अम्ल, या फिर लाल फास्फोरस। तो माचिस में जो पदार्थ उपयोग किया जाता है उसका नाम है लाल फास्फोरस। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है उनका बिल्कुल सही आंसर है लाल फास्फोरस, आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या आपकी समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक आपके भिन्न होती है, तो इसे कहेंगे हम संभारिक। संभारिक जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उसे कहते हैं संभारिक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और अच्छा क्वेश्चन, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, तो क्या है प्रोटॉन। ऑप्शन है आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक, भारी गैस का नाभिक, या फिर हल्की हवा का नाभिक। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु है या फिर हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, भारी गैस का नाभिक है, या फिर हल्की हवा का नाभिक है, तो क्या है प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है। प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका सही आंसर आप ध्यान से दें। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अमोनिया, फेरान, क्लोरीन, या फिर हीलियम। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है हीलियम का, याद रखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी हीलियम आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अच्छा अपचायक है, अपचायक है कौन, अपचायक है, तो ऑप्शन सी ए एम जी, एल आई, या फिर एन ए। तो सबसे अच्छा अपचायक जो है वो आपका सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, एल आई आपका बिल्कुल सही आंसर है, अच्छा उपचायक।
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी। इसके अलावा एक और सवाल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। नमक का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम, तो नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड और उसका सूत्र है NaCl। NaCl नमक का सूत्र है और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करती है, चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करती है लोहे को, सोने को, चांदी को या फिर इनमें से कोई नहीं। चुंबक सर्वाधिक प्रभावित करती है तो ऑप्शन लोहे को चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करती है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए लोहा बिल्कुल आपका सही आंसर है। चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करती है लोहे को, आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो उसका विभव हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आप उत्तर दीजिए इसका। जब एक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो उसका विभव हो जाता है। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर है क्या है, इसका सही आंसर है शून्य। शून्य आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। जब एक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो उसका विभव हो जाता है शून्य, ऑप्शन सी आप बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपने इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन है प्रकाश किरण, गामा किरण, एक्स किरण या फिर कैथोड किरण। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन प्रकाश किरण, गामा किरण, एक्स किरण या फिर कैथोड किरण। तो इसका सही आंसर प्रकाश किरण जो कि चुंबकीय तरंग है, गामा किरण ये भी है और एक्स किरण ये भी है, लेकिन जो कैथोड किरण है ये आपका आंसर है और ये ही आपके चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आँख का लेंस होता है, आँख का लेंस होता है, ऑप्शन है उत्तल, अवतल, उत्तल व अवतल दोनों या फिर